विकास बघेल पीतनी से माला पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। अभिषेक यादव स्टेशन रोड मक्खनपुर से और ये अंकुश कुमार सिरसागंज से माला पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। विजय प्रताप सिंह नंगला जाट माला पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। पीतम्बर देवर सम्मानित कर रहे हैं। ओमवीर जिजौली से जिजौली मक्खनपुर माला पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। प्रेमा देवी मैलई से माला पहनाकर के सम्मानित कर रही और हमारे स्टाफ को सम्मानित कर रही है। हरिशंकर बघेल मास्टर साहब मरसलगंज से आए हुए हैं। महेश चंद बघेल ये भी मरसलगंज से आए हैं। और सपना नगला चौबे से ये माला पहना करके सम्मानित कर रही हैं। प्रवेश ये वैन जो है ये श्री कृष्ण की तस्वीर देकर सम्मानित कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगे। कुलदीप भैया जी के मामा जी मरसलगंज से आए हुए सभी लोग सभी मामा हैं और पगड़ी पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। माला डाल करके सम्मानित कर रहे हैं। वस्त्र दे करके सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां जाएंगे। और हमारी कलश वाली जितनी भी कन्याएं हैं वो सभी खड़ी हो जाएं लाइन करके। ऑफर चल रहा कलश वाली कन्यान का जी हाँ खड़ी हो जाओ आज आप बाहर निकल के और यज्ञपति महाराज परीक्षित महाराज आप लोग भी खड़े हो जाओ। आराम से एक एक करके आओ आराम से लाइन लगा करके खड़े हो जाओ। बोली बोली भगवान की सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। बाबा नंद ने भगवान कन्हैया से कहा लाला आज वृंदावन में कोई आ नहीं रहा बल्कि आज हम सभी वृंदावन वासी मिलकर के इंद्रदेव का पूजन करते हैं। अब भगवान बोले बाबा इसका मतलब ये जितना भी सब कुछ व्यवस्थाएं हो रही हैं वो इंद्र के पूजन के लिए हो रही। बाबा नंद बोले हाँ कन्हैया ये इंद्र के पूजन के लिए हो रही। अब भगवान बोले बाबा इंद्र की पूजा क्यों करते हैं हम लोग तो नंद बोले कि इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं कि इंद्र प्रसन्न होकर के जल की वर्षा करते हैं जिससे हमारा धन धान्य बढ़ता है फसल उगती है और हम लोगों का पालन पोषण होता है इसीलिए हम इंद्र का पूजन करते हैं। जो इतने वचन कहे तो भगवान कन्हैया बोले बाबा शांति रखे शांति बनाए रखे भैया भैया शांति के साथ कर लो जो हमें भी परेशानी ना हो और आप लोगों को भी परेशानी ना हो शांति से कर लो ठीक है। अब भगवान कन्हैया ने बाबा नंद से कहा बाबा हमें ये लग रहा है कि आप बहुत ही बड़े अंधविश्वास में पड़े हो हैं। अरे वो इंद्र जो कभी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता भला वो हमारी रक्षा क्या करेगा। जब इंद्र के ऊपर संकट आते हैं तो इंद्र इधर उधर दूसरों से मदद मांगता है तो इंद्र हमारी रक्षा क्या करेगा। बाबा आपको नहीं पता है इंद्र का तो काम है जल की वर्षा करना तो वो अपना कर्म करता है लेकिन आप इंद्र के चक्कर में असली भगवान को क्यों भूले बैठे हो। अरे इंद्र का काम है जल की वर्षा करना तो वो अपना कर्म करता है लेकिन आप इतने बड़े अंधविश्वास में पड़े हो जो आज आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें पूजा किसकी करनी चाहिए।
लेकिन बाबा तुम्हें हम एक बात बताएं कि ये दुनिया सारी बेढंगी है, ये दुनिया सारी अंधविश्वासी है, और भगवान कन्हैया बोले कह जाते दुनिया।